के कारण साल 2020 पूरा की पूरा पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था का नुकसान, अपनों से दूरी में गुजर गया। नया साल 2021 नई उमंगें लेकर आया है। मास्क के पीछे छिपे चेहरों पर राहत की झलक और आंखों में जगी रोशनी में उम्मीदों के नए साल को फिर से साकार कर रही है। नए साल की दहलीज पर खड़े आम और खास से हमने पूछा, क्या है 2021 में आपका सपना? सपना तो एक ही है जो दुनिया के सबका सपना है कि जल्द से जल्द टीका आए। मेरा ऐसा मानना है कि बीमारी आई है तो निश्चित ही एक न एक दिन उसका टीका भी आएगा, और ये वही वर्ष है जिसमें हम सबको एक ही, क्योंकि हम जो भारतीय है सबके सपनों को अपना सपना बना लेते हैं, तो उसी दृष्टि से सबका एक ही सपना होगा इस साल तो, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक कई तरह के सपने सजा के बैठे हुए हैं। कोई सर्विस के लिए रहता है, कोई शादी के लिए रहता है, हर तरह के अपने अपने सपने रहते हैं। और ये वर्ष क्योंकि 2020 में जिस तरह की कोरोना महामारी ने सबको एक सोच दी है, प्रभावित तो सभी हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या में भी एक ऐसा आकस्मिक मोड़ आया कि हर किसी व्यक्ति ने सोचा घर बैठे बैठे अपने परिवारों के साथ में, परिजनों के साथ, और पीछे जो छोड़ के आए हैं उन सब सारी चीज़ों पर सोचने के लिए एक अच्छा अवसर मिला। काफ़ी लंबे समय तक बिताया पल, और उम्मीद करते हैं कि उन सपनों बीते हुए जो दिनों में हमने जो सोचा है वो नया वर्ष लेकर आए और ऐसी आपदा आने वाले समय में कभी नहीं आए। मेरा सपना है कि जो कोविड-19 के वजह से जो बच्चों का एजुकेशन पीछे हो गया है वो कंटिन्यू होता रहे, और आने वाले सत्र में हमारा एजुकेशन को लेकर एक अच्छी नीति बने और हम रूटीन वाइज पढ़ सके जैसे हम पहले पढ़ पा रहे थे, और भी उनमें डेवलपमेंट होता रहे ताकि जो आने वाली अब समस्याएं थी उनको उनका सामना करते हुए हम इस जो आने वाले सत्र में हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ और हमारे जो भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर पाएँ। 2021 में मेरा सपना है कि सभी का मंगल हो, सभी खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। देखा जाए तो 2020 हमारे लिए सबसे दुखद अनुभूति रही, क्योंकि कोरोना काल के कारण पूरे देश सहित पूरे विश्व में आपदा रही जिसके कारण व्यापार व्यवसाय सहित अन्य गतिविधियां भी प्रभावित रही। 2021 में हमें उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन हमारे देश में आएगी और हर किसी को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है, मुझे भी है 2021 में कि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन आए और हम सब लोगों का स्वास्थ्य टीकाकरण हो जिससे सभी का स्वास्थ्य भी ठीक हो और आने वाला साल जो है सभी के लिए मंगलमय हो। दशहरा अब धंधा करे खैरी, आप भी कई करा रोजी, आप भी मजदूरी करा, आप कई करा दाड़ के करा, आप कई करा नया साल में कई सपना अच्छा काम करा, अब ये काम करा दाड़ के धंधा करा कई करा। ये मेरा सपना है कि वैक्सीन आ जाए, सब अच्छे हो जाए और काम धंधे से लग जाए, जो धार से जो आए हैं वो वापस धार चले जाए, अपना काम धंधा लेके फैक्ट्रियों के अंदर चले जाए, जो बाहर से फैक्ट्री से बाहर आए थे खरगोन के अंदर, उनको रोजगार मिले, मजदूरी मिले, उनका पेट पालन हो। मेरा सपना है सब सुखी रहे, सबको रोजगार अच्छा मिले और महंगाई भी कम हो, महंगाई भी बहुत बढ़ गई। नए साल में हमारा किसान होने के नाते यही सपना है कि शासन खेती को अच्छा समृद्ध बनाए, खेती पे विशेष करके ध्यान दे, किसानों को हर चीज़ का ख्याल रखे ताकि देश का भविष्य उज्ज्वल हो। इससे खेती मूल आधार है, देश की रीढ़ की हड्डी है खेती, इसलिए खेती पे विशेषकर प्रशासन ध्यान दे और किसानों को जितना भी हो सके शासन की ओर से उसको लाभ मिलना चाहिए। सपना तो यही है कि कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले आ जाए ताकि लोगों को कोरोना से मुक्ति मिले, दूसरा फिर लोगों के जिनके रोजगार छीन गए हैं, जो अपनों से दूर हैं, वो सब जैसा पहले था वैसा ही हो जाए, लोगों को जो अभी इतना परेशानी में चल रहे हैं कोरोना की वजह से, तो उन चीज़ों से सभी से मुक्ति मिल जाए तो अच्छा है। तो यही एक चीज़ है 2021 के लिए, यही सपना है। जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीत जाऊं, बस इतना साहब है, बस इतना साहब है।
रास्ता।